नमस्कार दोस्तों, आज गणेश चतुर्थी के पर्व पर मेरा परिवार गणेश जी महाराज के दर्शन करने के लिए गया था। बीकानेर के अंदर एक जूनागढ़ का किला है, उसके अंदर गणेश जी का बहुत ही आलीशान मंदिर है, उसमें मेरा परिवार घूमने गया था। तो चले आपको मैं दिखाता हूँ कि ये लोग क्या क्या करते हैं और कहाँ कहाँ जाते हैं, ये सब कुछ आगे। ये देखिए सूर सागर झील है और अब ये धीरे धीरे जूनागढ़ के किले की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये जूनागढ़ के सामने जो नज़र आया था, अभी जूनागढ़ का किला था उसके सामने देखिए कितने सारे लोग, कितने लोगों की भीड़ है। और इस भीड़ में मेरा परिवार भी आज दर्शन के लिए ये देखो जा रहा है कि जूनागढ़ किले का गेट है, फर्स्ट गेट जिसे बोलते हैं हम लोग, और पहले गेट के अंदर एंट्री करने जा रहे हैं धीरे धीरे। आगे देखिए हम आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, जूनागढ़ किले के बारे में भी बताएंगे। ये जूनागढ़ किले का पहला गेट है और पहले गेट में ये देखो सिक्योरिटी गार्ड भी बैठा हुआ है। और आगे ये जूनागढ़ किले का जो फर्स्ट गेट के अंदर की एंट्री है उसके अंदर यदि कि व्हीकल्स भी जा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि व्हीकल्स पार्किंग की जूनागढ़ किले के अंदर व्यवस्था है। और ये देखिए फर्स्ट गेट के साइड का नज़ारा, कितना सुंदर प्रतीत होता है ये नज़ारा और कितना अच्छा लगता है। ये जो पूर्व ऐतिहासिक किले हैं कितने अच्छे लगते हैं। ये अब धीरे धीरे यहाँ से आगे रवाना होंगे और आगे हम आपको गणेश जी महाराज के दर्शन भी करवाएंगे और आप दर्शन करके लाभान्वित होंगे। आज क्योंकि गणेश चतुर्थी का पर्व है और एक बहुत ही अच्छा माना जाता है कि गणेश चतुर्थी के दिन आप गणेश जी महाराज के दर्शन करें। ये सेकंड गेट जिसको बोलते हैं, सेकंड गेट है, यहाँ पे देखो राजस्थान पुलिस के गार्ड्स वगैरह बैठे हुए हैं और सेकंड गेट के अंदर एंट्री हो गई। अब ये थर्ड गेट, सामने जो थर्ड गेट दिख रहा है, थर्ड गेट से पहले जो नज़ारा है आप देख सकते हैं साइड वाला नज़ारा। और अब ये थर्ड गेट जो है, क्योंकि इसमें बहुत सारे गेट हैं इसके अंदर, और ये देखो तीसरे गेट के अंदर प्रवेश हो चुके हैं। और अब ये तीसरे गेट के जो साइड में जो नज़ारा आप देखोगे, हाथी के ऊपर महाराजा बैठे हुए हैं और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए जो आप देखोगे। मैं आपको आगे बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। अब ये जो मंदिर वाला जो गेट है, मंदिर जिस गेट के अंदर है, उस गेट से हम प्रवेश कर रहे हैं, उस मंदिर के अंदर हम प्रवेश कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, देख लीजिएगा आप कितनी भीड़ पड़ रही है गणेश जी महाराज के दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे गणेश जी महाराज के दर्शन करने के बाद यहाँ पे लास्ट में एक लॉक है, क्योंकि यहाँ मान्यता ऐसी है कि इस लॉक को बजाया जाता है, गणेश जी के दर्शन करने के बाद इस लॉक को बजाया जाता है, वो भी हम आपको बताएंगे लास्ट बाद में। और उसके बाद में हम कहाँ कहाँ जाते हैं, कहाँ कहाँ घूमते हैं फैमिली हमारी, तो वो सब कुछ बताएंगे। तो इस तरीके से ये देखिए अभी मंदिर को, हम मंदिर के दर्शन कर रहे हैं और ये पुजारी जी प्रसाद वगैरह ग्रहण कर रहे हैं, प्रसाद दे रहे हैं लोगों को। और देखिए किस तरीके से ये लोग घूम रहे हैं, आगे ये बैठ गए। यहाँ पे मान्यता है कि यहाँ पे बैठना भी ज़रूरी है थोड़ी देर के लिए। इसके बाद ये चलेंगे और वो लॉक को बजाएंगे, लॉक को पीटना पड़ता है, मतलब बजाना पड़ता है, ये ऐसी मान्यता है बीकानेर के अंदर। और अब वापस बाहर का नज़ारा दिखाया जा रहा है ऊपर का, और अब हम धीरे धीरे बाहर की तरफ आ रहे हैं। और अब आपको दिखाया जाएगा वो लॉक जिसको बजाने के बाद ये माना जाता है कि गणेश जी महाराज की जो दर्शन किए हैं वो आपके पूर्ण हुए हैं या नहीं हुए, ऐसी मान्यता है बीकानेर के अंदर। और अब धीरे धीरे बाहर की तरफ आ चुके हैं और देखते हैं आगे, ये धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ये देखो ये लॉक वाला जो नज़ारा अभी आपको दिखाया था, ये लॉक को दो तीन बार पीट करके ये लोग आगे बढ़ रहे हैं।
और शायद फिर से आपको एक बार दिखाया जाएगा वो लॉक। अभी नहीं दिखाया क्योंकि साइड का जो नज़ारा है वो पहले दिखा रहे हैं। जूनागढ़ किला एक बहुत ही ऐतिहासिक किला है और ये देखो अब बाहर की तरफ आ रहे हैं धीरे धीरे दर्शन करने के बाद। इसके बाद हम आपको लेके चलेंगे सूर सागर झील में, जो एक बहुत पुरानी झील है बीकानेर की। उसके अंदर अभी वैसे जितना इतना ज़्यादा पानी तो है नहीं, लेकिन उसके अंदर अभी भी पानी बहुत कुछ है। पानी भरी हुई तो नहीं है लबालब, लेकिन बहुत पानी है अभी भी उसके अंदर। और ये देखो बाहर आकर के इन्होंने चप्पल जूते वगैरह जो भी पहन के गए थे वापस पहने हैं अपने, और अब धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। अब हम आपको दिखाएंगे, ये देखिए सूर सागर झील का नज़ारा। ये सूर सागर झील के आसपास ये बैठने की सुविधा इतना अच्छा है, जूनागढ़ किले के पास ही है। ये देखिए सामने जो दिख रहा है सूर सागर झील का नज़ारा, इसमें बहुत सारा पानी है अभी भी। और पहले यहाँ पे नाव वगैरह चलती थी, लेकिन अभी पानी कम होने के कारण नाव वगैरह बंद है। बारिश के बाद नाव वगैरह चालू हो जाएंगी। तो दोस्तों मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि